आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान आध्यात्मिक चिकित्सा से मानसिक बीमारियों का इलाज TSDC कॉलोनी कोतवाली रोड आशीर्वाद एनक्लेव डेरा खास देहरादून 248001। टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 1800-121-1526। आध्यात्मिक चिकित्सा एवं शोध संस्थान। गोंडा में एक युवती के साथ दूसरे समुदाय के दबंग युवक द्वारा दुष्कर्म करने के बाद जबरन उसे घर से उठाकर ले जाने और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और धर्मांतरण के लिए 2,00,000 रुपए देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो एक्शन में आई और पुलिस ने दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और मामले की छानबीन में जुट गई। दिनांक 21 जून 2021 को थाना मनकापुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। घटना के प्रकाश में आते ही थाना मनकापुर पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पीड़िता के पिता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री के साथ धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है। इस पर जांच जारी है। जिस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, क्या मामला है बताओ पूरी बात। 19 तारीख को मैंने गई थी जंगल, मेरे गांव के पास जंगल था। वो जंगल में तो मेरे गांव का एक लड़का बैठा था जो मोहम्मद नाम का, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे साथ गलत काम किया और उसके बाद में वीडियो भी बनाया। फिर कहे असलाद है क्या मेरे, कहे कि तो अगर जो घर बताओगे तो तुझे दाग दूंगी, तेरे घर वालों के दाग दूंगी। मैं डर के मारे घर नहीं बताई। फिर 21 तारीख को सुबह ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगा, कहें कि तुम चलो मेरे साथ मेरे जात बिरादर में हो जाओ, तुम्हें 2,00,000 रुपये दूँगे। तो हम कहें नहीं, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद में उसके भाई बेचन और सत्तन और फिर उसके जीजा धुम्मड़ आए, कहे चलो ज़बरदस्ती, तो मेरे बाप से कहे ज़बरदस्ती चलो उसके भेज दे 2,00,000 रुपये देंगे। तो हम कहें नहीं जाएंगे, मेरे बाप कहें नहीं जाएंगे। ज़बरदस्ती धमकी दिया, गांव के लोग जुटे तो भाग गए। किस चीज़ के लिए 2,00,000 रुपये देने की बात कह रहे थे? कह रहे कि मेरे जात बिरादर में हो जाओ, मुस्लिम में हो जाओ। मुस्लिम में हो जाओ, हाँ। तो अब यहाँ क्या चला के कहे कि मौलवी के पास ले चलेंगे, तो हम कहें नहीं जाएंगे। अच्छा, कितने लोग ने गलत काम किया? एक लोग ने खाली गलत काम, एक लोग ने किया, तीन लोग ने मिलाने की कहा। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहें। उन लोग के खिलाफ, उन लोग को फांसी हो चाहे जो हो।